आपका नवरात्र होता है उस टाइम उसमें यहाँ पे दशहरा चालू रहता है। ये जो राजवाड़ा है पूरा 75 एकर्स में 24 एकड़ का सिर्फ गाड़ा ने 4.5 एकड़ में इस पैलेस को बांधा गया। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए देख लो ये मैसूरी का अंबा विलास पैलेस है। तो आज इसके बारे में बताएंगे आपको, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको अंबा विलास पैलेस, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ में जुड़े रहना इसी वीडियो में। तो देख दो दोस्तों, यहाँ आने से पहले सबसे पहले आप मास्क लेके आए, यहाँ पे मास्क बिना यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। दोस्तों ये मंदिर है, देख लो कितनी खूबसूरती से बना हुआ है ये। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा फोटोशूट स्टार्ट हो गया है और ये कैमरामैन अभी गोपाल जी शूट कर रहे हैं और ये मॉडल हमारा न्यू मॉडल। हेलो हेलो सर, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद में? यहाँ पे मंदिरों के नाम पता है आपको? बिल्कुल, बताओ। पुरातना श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर। ठीक है दोस्तों, आपने सुन लिया होगा क्योंकि मेरे को कब का याद नहीं है और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हेलो बाबा, पैसा 5 मेंबर्स। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मसूरी पैलेस। सूर्य नहीं सर, मसूरी। ये 40 से 130 किलोमीटर पहले आता है, एक अच्छी जगह है। ये बहुत अच्छी लोकेशन है और आप देखने के लायक फोर्ट है। ये बहुत तगड़ा फोर्ट है। आगे का व्यू आपको, आगे का व्यू, आगे के बारे में डिटेल आपको नितेश जी देंगे। नितेश जी आपको इस फोर्ट के बारे में क्या पता है? ये फोर्ट बहुत पुराना है और इसमें 750 कैसी मूर्ति है स्वामी लक्ष्मी नारायण जी की। 750 केजी की? तो दोस्तों आपने सुना होगा यहाँ पे 750 केजी की गोल्ड की मूर्ति है यहाँ पे। तो आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो। जो मैं बता रहा हूँ ये पहले पूरा लकड़ी का बना हुआ था। हाँ। तो अब तो बहुत टाइम हो गया है तो लकड़ी खराब हो रही है, खराब हो चुकी। तो उसको वापस बनाने के लिए आगे का जो पोर्शन बनाने के लिए 15 साल लगा। शादी के अंदर जल गया था पूरा किला, 15 साल लगे हैं वापस उसको बनाने के लिए। अभी वो रेडी होगा, मार्च से दिखाएंगे आपको। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि गोपाल जी ने किस तरह बताया आपको, क्योंकि मैसूरी पैलेस जो है, जो कुछ साल पहले ये लकड़ी का बना हुआ था और अब ये क्या हुआ, कोई शादी में, कोई इनके घर में शादी हुई थी, शादी के कारण ये पूरा महल जल गया था। तो इसको वापस दोबारा बना गया है। तो दोबारा बनने में इसको कम से कम 15 साल लगे। तो आप देख लो दोबारा किस टाइप का बना है। तो आप देखो दोस्तों किस तरह ये, किस कारीगरी से आप इसको तैयार किया गया है, आपको दिखाता हूँ। और ये हम यहाँ पे अभी घूम रहे हैं, पूरा ग्रुप है हमारे साथ, हमारा हाथी के दांत की फ्रेम बनी हुई है। हाथी के दांत है, ये सिल्वर का कांच बना हुआ है, पूरा सिल्वर बोर्डिंग है उसके ऊपर, सिल्वर है पूरा। देखो आप, देखो आप चीज देखिए, इतनी मस्त है। ये आपको कुछ और दिखाता हूँ मैं। अभी हम आए यहाँ पे, एक आम में से दो टिकट पर बैठ जाए। म्यूजियम टाइम म्यूजियम है पूरा। ये देखिए लैंप है हाथ में, छोटा बच्चा, मिसाल क्या स्टेचू है मतलब। ये देखो किले का व्यू आप,
अमेजिंग। ये देखिए अल्टीमेट जो है अल्टीमेट। देखिए आप, ये सिल्वर डोर है, पूरा चांदी का बना हुआ है। कला का ही देखिए आप, मतलब जितनी देखो उतनी कम है यहाँ पे कलाकारी। ये देखिए अमेजिंग व्यू है, बहुत ही जोरदार व्यू है।